Greetings of the day, everyone. Today, we are starting a very entertaining and a very philosophical story, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. This story is included in the syllabus of class 12th, and this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. This story, The Rat Trap, is written by Selma Lagerlöf. She was born in 1858 and died in 1940. She was a Swedish writer. It means she belonged to Sweden. And also the setting of this story is in Sweden. Students, Selma Lagerlöf has written many beautiful stories, and The Rat Trap is one of them. And her favorite theme is quite universal in all her stories. बच्चों, उन्होंने एक universal theme के ऊपर ही mostly सारी stories लिखी हैं. And what's that universal theme is? A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden. बच्चों, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है जिसे प्यार से और समझ से जगाया जा सकता है. कहते हैं ना, कोई चोर जो होता है वो पैदाइशी चोर नहीं होता. सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन है, वो उसे बना देती हैं, लेकिन उसके अंदर की गुडनेस को जगाया जा सकता है जब हम उससे व्यवहार करेंगे विद कंपैशन एंड लव. सो यही यूनिवर्सल थीम इन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर लिया है, द रैट ट्रैप. सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं टाइटल की, द रैट ट्रैप. अब ये रैट ट्रैप क्या होता है बच्चों? अ स्मॉल केज टू कैच रैट्स. बच्चों, चूहों को पकड़ने के लिए छोटा सा पिंजरा, उसे हम कहते हैं रैट ट्रैप. स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टाइटल के साथ आप थीम को भी समझ लें पहले ही, ताकि आपको ये जो लेसन है अच्छी तरह से समझ में आ जाए. द रैट ट्रैप. रैट ट्रैप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्मॉल केज टू कैच रैट्स, पिंजरा चूहों को पकड़ने के लिए. इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ यूज द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप. मेटाफर क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दें. तो यहाँ पर रैट ट्रैप का बच्चों डायरेक्ट कंपैरिजन किया है वर्ल्ड के साथ. ठीक है, वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. कैसे? ऑथर हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ टेम्पटेशन. इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने, राइटर ने हाईलाइट किया है हमारी जो ह्यूमन प्रेडिकमेंट है टेम्पटेशन की. लालच में हम फंस जाते हैं, हम ग्रीड में फंस जाते हैं, और वो ग्रीड या टेम्पटेशन हमें बर्बाद कर देती है. Just as a rat is fooled by a bait and gets trapped, most human beings are also prone to falling into the trap of material benefits. बच्चों, जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए हम पिंजरे के अंदर कोई बेट लगा देते हैं, कोई चीज़, कोई ब्रेड का टुकड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ भी, और चूहा उसके लालच में, उसकी टेम्पटेशन में, उसकी ग्रीड में आकर उस ट्रैप के अंदर चला जाता है और फंस जाता है. तो बच्चों, ये जो वर्ल्ड है ना हमारा, ये भी एक रैट ट्रैप के बराबर है. यहाँ पर ना बहुत सारी बेट हैं हमारे लिए भी. बेट का मतलब मैं क्या कहूँगी? चारा. हमारे लिए भी कुछ चारा डाल रखा है, जैसे कि मनी, नेम, फेम या मेटीरियल थिंग्स, कार, बाइक, बढ़िया से घर, बढ़िया सा सोफा उसके अंदर, बढ़िया से बेड. ये सारी चीज़ें बच्चों क्या है? ये है रैट ट्रैप, जो हमें फंसा लेती हैं इस विश्व रूपी रैट ट्रैप के अंदर. ये चारे का काम कर रही हैं. ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अ मैन गेटिंग ट्रैप्ड ड्यू टू हिज ग्रीड. एक व्यक्ति है जो अपनी लालच की वजह से इस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाता है. The whole world is a rat trap and we are like rats getting trapped for different habits such as money, love, greed, name, fame and many more. बच्चों, ये पूरा विश्व एक रैट ट्रैप है और हम चूहे की तरह उसमें फंस जाते हैं. ठीक है, और हमारे लिए बेट्स क्या है? मनी, पैसा, लव, प्यार, ग्रीड, लालच, नेम, हमारा नाम हो, फेमस हो जाएं हम, फेम एंड मैनी मोर. The list goes on and on and on. तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, फिलोसॉफिकल भी है. तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा इस स्टोरी को पढ़ने के लिए. स्टोरी बच्चों बहुत ज़्यादा लंबी है, दैट्स वाई मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगी. टुडे वी विल डिस्कस पार्ट वन. हाफ चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट वन एंड द नेक्स्ट हाफ विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट टू. तो आज हम फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे.
Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. बच्चों एक समय की बात है. देखो जितनी भी ना कहानियाँ बच्चों की शुरू होती हैं हमेशा ऐसे शुरू होती हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक मैन था, वो बेच रहा था छोटे छोटे रैट ट्रैप्स, चूहे दानी या चूहों को पकड़ने का पिंजरा बेच रहा था जो कि वायर का बना हुआ था, तार का बना हुआ था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड्स मोमेंट फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैकिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. बच्चों इस लाइन्स में हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है. चैप्टर का पहला क्वेश्चन बनता है कि वो कैसे बनाता था रैट ट्रैप्स. पहली बात तो वायर से बनाता था और वो खुद बनाता था. और मटेरियल उसे कहाँ से मिलता था? बाय बैगिंग इन द स्टोर्स. कुछ तो वो भीख मांगता था स्टोर्स के अंदर जाकर, और बिग फार्म्स के अंदर जो बड़े बड़े फार्म हैं वहाँ पर जाकर भीख मांगता था, और भीख मांगकर जो भी उसको पैसा मिलता था उसका वायर खरीद कर उसे वो रैट ट्रैप बनाता था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. बच्चों he had to resort means start doing or make use of. तो उसे दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा था ताकि उसकी keep body and soul together. Keep body and soul together एक phrase है जिसका मतलब है to support oneself. अपने आप का पालन पोषण करने के लिए उसे दो चीज़ों की वजह से वो अपना पालन पोषण कर पा रहा था, अपनी body और soul को together रख पा रहा था. क्या थी वो दो चीज़ें? फर्स्ट बैगिंग, भीख मांगकर, एंड सेकंड पैटी थिवरी, छोटी मोटी चोरी वो करता था बच्चों अपना पेट पालने के लिए. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फिर भी बच्चों उसके कपड़े जो थे रैग्स, फटे पुराने. हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में हमेशा भूख चमकती थी, यानी कि उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था. सो हमने यहाँ पर देखा द रैट ट्रैप सेलर. बच्चों यही है हमारा मेन करेक्टर, इस करेक्टर के चारों ओर हमारी कहानी है, यही है मेन हीरो, ठीक है, प्रोमिनेंट फिगर इन द स्टोरी. तो यह है रैट ट्रैप सेलर जो बेचारा वायर से खुद बनाता था और अपना पेट पालने के लिए अपनी बॉडी और सोल को, शरीर और आत्मा को टुगेदर रखने के लिए, मीन्स अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए वो भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था. नेक्स्ट पैरा, No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. कोई भी सोच नहीं सकता था कि उसकी जो जिंदगी थी ना, उस वैगाबोंड की जिंदगी. वैगाबोंड कौन? वही रैट ट्रैप सेलर. वैगाबोंड का मतलब होता है बच्चों वॉन्डरर, इधर उधर यूं ही घूमने वाला. या तुम ट्रैम्प वर्ड भी आएगा इसी चैप्टर में आगे, TRAMP, वो भी होता है वैगाबोंड, और दोनों का ही मतलब होता है वॉन्डरर, घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला. तुम हिंदी में इसको कह सकते हो आवारा, एक आवारा की भांति वो घूमता रहता था. एंड हिज लाइफ वॉज सैड, बहुत ही उदासी भरी उसकी ज़िंदगी थी. मोनोटोनस मीन्स डल, बोरिंग उसकी ज़िंदगी थी. हु प्लोड्स अलोंग द रोड, जो बेचारा पूरे दिन रोड के साथ प्लोडिंग करता रहता था, मीन्स वॉक्स स्लोली अलोंग द रोड, रोड पे चलता रहता था बेचने की कोशिश में कि कोई उसका रैट ट्रैप खरीद ले. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, बच्चों जब वो अकेला रहता था ना, वो अपनी ही मेडिटेशन में खो जाता था. मेडिटेशन मीन्स अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, अपने ही ध्यान में चला जाता था. Which really seemed to him entertaining, और उसके विचार उसे बहुत ही मनोरंजक लगते थे, बहुत मज़ा आता था उसको कुछ भी सोचकर. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. बच्चों एक दिन वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके विचार में आया, उसके दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया आया उसके दिमाग में इस विश्व के बारे में, पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में. द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, सारी उसकी भूमि, इट्स सीज, सारे समुद्र, इट्स सिटीज, सारे शहर, एंड विलेजेस, सारे के सारे गांव, कुछ नहीं है बट एक बहुत बड़ा बिग रैट ट्रैप है. अब वो सोच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर के लिए, वो सोच रहा है कि वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, ये जो पूरा का पूरा विश्व है ना, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना भूमि का भाग है, कितने समुद्र हैं, कितनी सिटीज़ हैं, कितने गांव हैं, ये सब कुछ कुछ नहीं है बच्चों, एक बड़े से रैट ट्रैप के समान है, एक पिंजरे के समान है जिसमें हम रैट्स की तरह फंस जाएंगे, चूहे की तरह हम फंस जाएंगे. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोदिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक.
अब बच्चों वो कह रहा है कि जो बिग रेड ट्रैप है ना, वर्ल्ड जो बिग रेड ट्रैप है, उसने हमारे लिए ना बहुत सारी बेट्स लगा रखी है। ये वही वर्ड है जो मैंने शुरू में यूज़ किया था, बी ए आई टी एस, बेट्स का हम कहेंगे फूड यूज टू एल्योर एनिमल्स, ठीक है, जानवरों को ललचाने के लिए डाला गया चारा, चारा हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे इस विश्व के अंदर भी हमारे आगे बहुत सारा चारा पड़ा हुआ है, बहुत सारी बेट्स पड़ी हुई हैं। क्या क्या? रिचेज पैसा, जॉयज खुशियाँ, शेल्टर सर ढकने के लिए मकान, फूड भोजन, हीट उष्मा एंड क्लोदिंग कपड़े। जैसे कि किसी हम चूहे को ललचाने के लिए रैट ट्रैप के अंदर डालते हैं चीज़ का टुकड़ा, या फिर पोक, पोक है मतलब यहाँ पर बच्चों पिग मीट, क्योंकि ये स्वीडन की कहानी है तो यहाँ पर मांस खाया जाता है, तो जो पिग मीट है वो यहाँ पर बेट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर वो ये चूहे के लिए तो ये चीज़ और पोक डालते हैं, एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही बच्चों कोई व्यक्ति इन चीज़ों की वजह से, जॉयज रिचेज शेल्टर फूड हीट क्लोदिंग नेम फेम मनी, ठीक है, इन चीज़ों के बेट में फंस जाता है और उस पिंजरे के पास जाता है, तब अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पिंजरा हो जाता है बंद और आदमी हो जाता है डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पैरा टू, क्योंकि यहाँ पर उसने मेन आइडिया अपना दे दिया है, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप। तुम ध्यान रखना, जो जैसे रैट ट्रैप के अंदर बेट्स के लिए हम लगाते हैं चीज़, पॉक, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, बिस्किट, कुछ भी लगा सकते हैं हम चूहे को पकड़ने के लिए, हमारे विश्व के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर भी रैट ट्रैप के लिए जो बेट डाली गई है ना हमारे लिए, वो क्या क्या है? मनी, रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोदिंग, नेम, फेम एंड सो ऑन, सो मैनी थिंग्स, मेटीरियल थिंग्स ऑल्सो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, तुम देख सकते हो वर्ल्ड के कंपैरिजन किया गया है रैट ट्रैप के साथ। बेट्स फॉर रैट्स, चीज, ब्रेड एंड पॉक, देखो तुम जैसे कि रैट ट्रैप के अंदर डाल रखा है कोई टुकड़ा खाने के लिए, ललचाने के लिए, टेम्पटेशन के लिए, ताकि रैट उसमें फंस जाए। हमारे लिए भी है बच्चों वही बेट, क्या? मनी इज शोन हियर इन दिस रैट ट्रैप। तो हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेट का काम करती हैं, जैसे मनी, नेम, फेम, मेटीरियल थिंग्स एक्सेट्रा। Next lines, the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो बच्चों कभी ना जिंदगी में उसे खुशी नहीं मिली, इस विश्व ने कभी उसको खुशी नहीं दी, इसलिए उसे unwanted joy मिल रही थी, means unusual, अद्भुत खुशी मिल रही थी बुरा सोच के इस विश्व के बारे में। क्या बुरा सोच रहा था वो? द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, कि ये विश्व तो बहुत बुरा है, हमारे लिए पिंजरे के समान है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. तो बच्चों वो बहुत खुश होता था, cherished means fond pastime उसका बन चुका था, खाली जब भी होता वो इसी के बारे में सोचने लगता कि वर्ल्ड तो है रैट ट्रैप। और जब भी वो मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी मीन्स ग्लूमी, डिप्रेसिंग, सैडनेस से भरे हुए, प्लॉडिंग्स मीन्स मूविंग स्लोली, जब भी वो जा रहा होता रैट ट्रैप्स बेचने के लिए, उसे कोई नहीं मिलता खरीदने के लिए, तो वो इन्हीं विचारों में खो जाता दैट द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। वो सोचता कई तो हैं जो इस डेंजरस स्नेयर के, स्नेयर होता है ट्रैप, इस पिंजरे के आसपास फंस चुके हैं ऑलरेडी उसके अंदर, और कुछ हैं जो स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी बेट के चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी भी इसके अंदर फंस सकते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. बच्चों एक अंधेरी शाम की बात है, trudging means walking. He was walking along the road, वो जा रहा था रोड के ऊपर, तभी उसे दिखाई दिया a little grey cottage by the roadside. रोड के साइड में एक छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज, कॉटेज तुम कह सकते हो, छोटा सा हट कह सकते हो तुम, घर कह सकते हो छोटा सा, वो दिखाई दिया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने बच्चों नॉक एट द डोर किया, डोर को नॉक किया और पूछा क्या मुझे आज रात को यहाँ पर शेल्टर मिल जाएगा, रहने का स्थान मिल जाएगा। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, बच्चों ऑनर जो था ना वहाँ का, उस घर का, बड़ा ही अच्छा था, उसने मना नहीं किया, उसने उसे अंदर ले लिया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी
टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। बट जो ऑनर था ना, एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन था। ही डजंट हैव वाइफ, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, एंड ही डजंट हैव चाइल्ड, और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। वो बहुत खुश हुआ कि आज शाम को कोई मेरे साथ रहने के लिए आएगा और मेरी लोनलीनेस से, जो मैं एकांत में रहता हूँ, खाली रहता हूँ, मुझे मेरी लोनलीनेस से आज़ादी मिल जाएगी, आज मैं किसी से बात करूँगा। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, बच्चों आमतौर पर उसे ना सोर फेसेस ही मिलते थे। सोर मीन्स खट्टा, खट्टे चेहरे मीन्स विदाउट एनी इमोशन, जो हेल्प नहीं करते थे लोगों की, ना हंस कर देखते थे, ना हंस कर बोलते थे, ठीक है। तो आमतौर पर तो ऐसे चेहरे मिलते थे, लेकिन आज मिला एक बहुत ही अच्छा ओल्ड मैन, जिसने उसे हैप्पीली वेलकम किया अपने कॉटेज के अंदर। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तुरंत ही बच्चों उसने दलिये का बर्तन चढ़ा दिया फायर के ऊपर और उसे सपर यानी कि डिनर खाने को दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस ऑफ हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और फिर बच्चों उसने कट ऑफ किया एक बड़ा सा टोबैको रोल, तंबाकू का रोल को उसने काटा, इतना काटा कि अजनबी के पाइप भर जाए और उसका खुद का भी। अजनबी कौन? वही रैट ट्रैप सेदर, उसको भी यानी कि तंबाकू दिया उसने। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड म्यूलेज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। बच्चों फिर उन्होंने ना ताश के पत्ते निकाल लिए, और ये म्यूलेज कोई वहीं का गेम है बच्चों, ताश के पत्तों से खेले जाने वाला, वो उन्होंने खेलना शुरू किया। ये देखिए बच्चों, कॉटेज बाय द रोड साइड जो कि रैट ट्रैप सेलर ने देखा था। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बच्चों जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, कॉटेज का ऑनर, वो बहुत ही दयालु था, बहुत ही जेनरस था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, ना केवल अपने दलिये के साथ और तंबाकू के साथ, बल्कि अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ भी। कॉन्फिडेंसेस मीन्स पर्सनल अफेयर, अपनी निजी जिंदगी की बातें भी उसने उसके साथ शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ prosperity, his host had been a crofter at Ramzo Iron Works and had worked on the land. उसने बताया बच्चों, गेस्ट को, गेस्ट कौन था? रैट ट्रैप सेलर। उसे बताया कि जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब उसके अच्छे दिन थे, जब उसको अच्छा सा लाभ होता था, तब वो एक क्रॉफ्टर का काम करता था। अब ये क्रॉफ्टर क्या होता है बच्चों? वन हु रन्स अ स्मॉल फॉर्म और वर्क्स इन अ फॉर्ज और फर्नेस, ठीक है, जो भट्टी के अंदर काम करे वो व्यक्ति कहलाता है क्रॉफ्टर। तो रैमजो आयन वर्क्स एक आयन वर्क थी जहाँ पर लोहे का काम किया जाता था, रैमजो नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर उसने काम किया। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. बच्चों अब जब वो दिन में काम नहीं कर पा रहा था, मेहनत का काम उसे नहीं हो पा रहा था, वो बूढ़ा हो गया था, तब उसकी काऊ ने, उसकी गाय ने उसे सपोर्ट किया, उसकी मदद की। बोसी यहाँ पर मीन्स काऊ, ठीक है। काऊ वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, उसकी गाय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनो इन पेमेंट। बच्चों वो बहुत अच्छा दूध देती थी, वो दूध को बेचता था और दूध से बने हुए सामान को बेचता था, और पिछले महीने तो उसने 30 क्रोनो कमाए थे। अब ये क्रोनो क्या होता है बच्चों, ये भी देखिए आप, करेंसी ऑफ स्वीडन। मैंने शुरू में बताया था हमारी कहानी सेट है स्वीडन में, जैसे अपनी करेंसी होती है रुपया, ठीक है, और अमेरिका की तुम लगा लो डॉलर, ठीक है, उसी तरह स्वीडन की करेंसी होती है क्रोनो। तुम देख भी पा रहे हो द बिल ऑफ क्रोनो। बिल क्या होगा? नोट, NOTE या BILL। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 crore bills। बच्चों अब वो स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन्स अनबिलीविंग। वो जो स्ट्रेंजर था उसे सब कुछ विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ अपने कॉटेज के विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, वहाँ पर लेदर का पाउच, चमड़े का बना हुआ एक पाउच था जो कि वहीं पर खिड़की के फ्रेम के पास ही, खिड़की के कांच के पास ही नेल यानी कि कील पर लटकाया हुआ था। उसने वो उतारा और उसमें से निकाले बच्चों 3 wrinkled 10 crore bills, 3 नोट निकाले
10 क्रोनो के बिल थे और रिंकल थोड़े से ना रिंकल, तुम कहते झुरियाँ होती है वैसे तो रिंकल, जब पापा नोट को मोड़ देते हैं ना हाथ से तो वो झुरियों से भरा हुआ हो जाएगा, तो रिंकल्स तुम इनको कह सकते हो। उसने वो दिखाया रियलिटी में रैट ट्रैप सेलर को। बच्चों तुम देख पा रहे हो बेट दिखाई दे रही है रैट ट्रैप सेलर को, कौन सी बेट? मनी इन द फॉर्म ऑफ 10 क्रोनो बिल्स। तो क्या वो फंसेगा इस रैट ट्रैप में या वो निकल जाएगा? स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अब बच्चों सर हिलाते हुए उसने उसको दिखाया और दिखाकर वापस अपने वहीं पर जहाँ से उसने उतारे थे विंडो फ्रेम के पास से वहीं कील पर उसने लेदर पाउच को लटका दिया। The next day, both men got up in good season. सुबह सुबह बच्चों दोनों उठ गए। The crofter was in hurry to milk his cow and He should not stay in bed when the head of the house had gotten up. बच्चों क्रॉफ्टर को तो अपने काऊ से मिल्क निकालना था, ठीक है, दूध निकालना था, और जो दूसरा व्यक्ति था यानी कि रैट ट्रैप सेलर, उसने भी ये सोचा जब घर का मालिक ही नहीं सो रहा तो मैं बेड पर कैसे सोऊं, इसलिए वो भी उठ गया। They left the cottage at the same time. दोनों ने कॉटेज को एक ही समय पर छोड़ दिया। The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने यानी कि उस बूढ़े आदमी ने अपने कॉटेज को बंद किया, ताला लगाया और चाबी रख ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज वे हिज ऑन वे। बच्चों फिर जो रैट ट्रैप सेलर था और क्रॉफ्टर था उन्होंने एक दूसरे को बाय बोला, गुड बाय बोला। रैट ट्रैप सेलर ने बच्चों थैंक यू भी कहा कि उसने रात उसको वहां पर गुजारने दिया। एंड देयर अपॉन मीन्स इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर। बच्चों ये पैडलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं हमारे रैट ट्रैप सेलर के लिए। सबसे पहले आ गया था वेगाबोंड, वॉन्डरर मैंने बताया था, ट्रैम्प बताया था, आवारा बताया था, पैडलर हम बार बार यूज करेंगे, क्वेश्चंस में पैडलर ही पूछा जाता है, PEDDLER। अब पैडलर कौन होता है? अ पर्सन सेलिंग थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो जगह जगह जाकर अपने सामान को बेचता है, हिंदी में तुम कह सकते हो फेरी वाला। हर क्वेश्चन में बच्चों पैडलर वर्ड का ही यूज होगा, तो रैट ट्रैप सेलर को हम कहेंगे पैडलर। अब से तुम ध्यान रखना, मैं या तो कहूंगी रैट ट्रैप सेलर या मैं बोलूंगी पैडलर, तुम समझ जाना, ठीक है। बच्चों आधे घंटे बाद रैट ट्रैप पैडलर, वही रैट ट्रैप सेलर वापस आ गया उसी दरवाजे के बाहर, उसी कॉटेज के दरवाजे के बाहर। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पैन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनो। क्या किया बच्चों उसने? वो फंस चुका था उस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप के अंदर। बेट उसको दिखा दी थी रात को क्रॉफ्टर ने, वो 30 क्रोनो वो नोट, ठीक है। क्या करता है वो आधे घंटे बाद वापस आता है, वो ताले से चाबी को खोलने का कुछ प्रयास नहीं करता इस तरह का, वो सीधा विंडो के पास जाता है, विंडो के पेन को यानी कि विंडो के ग्लास को स्मैश ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, अपना हाथ अंदर डालता है उस नेल तक, उस कील तक जहाँ पर उसने वो लटकाया हुआ था, वो पाउच जहाँ पर वो लटका हुआ था वहाँ तक पाउच को ले लेता है और निकाल लेता है उसमें से 30 क्रोनो। चोरी कर लेता है बच्चों वो उस बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनो। तो ही हैज़ ऑलरेडी ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप ऑफ वर्ल्ड, वो फंस चुका है इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप के अंदर। He took the money and thrust it into his own pocket. बच्चों पैसे निकाल लिए और खुद की पॉकेट में उसने डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और बच्चों दोबारा से उसने वो लेदर पाउच डाल दिया, वहीं पर लटका दिया जहाँ पर वो कील पर लटका हुआ था और अपने रास्ते चला गया। देखो बच्चों, द पैडलर टुक द मनी बाय ब्रेकिंग द विंडो पेन। तुम देख सकते हो कैसे खिड़की का ग्लास तोड़कर उसने पैसे चुरा लिए। आगे चलते हैं। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे वो चल रहा था मनी उसकी पॉकेट में, वो फील कर रहा था, वो बहुत खुश था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने कितनी स्मार्टली चोरी कर ली। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. बच्चों अब क्योंकि उसने चोरी कर ली थी, उसे सोचा अगर मैं मेन रोड पर पब्लिक हाईवे के ऊपर जाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई पकड़ सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना वुड्स का रास्ता मैं ले लूं। वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट के रास्ते आगे बढ़ेगा।
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. तो शुरू शुरू में तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, कोई परेशानी उसे नहीं हुई जंगलों के अंदर. लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. बच्चों लेकिन जब से दिन आ गया, दोपहर हो गई, वो बुरा हाल होता गया उसका. बहुत बड़ा था जंगल, बहुत कंफ्यूजिंग था. तुम्हें पता ना जंगल में रास्ते नहीं मिलते, पता नहीं चलता, बार बार घूम के हम एक ही जगह आ जाते हैं. तो वो भी बच्चों कंफ्यूज हो गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. बच्चों वो बार बार जा रहा था एक डायरेक्शन की ओर, लेकिन रास्ते इतने ट्विस्ट हो रहे थे, इतने अजीब हो रहे थे कि उसे पता ही नहीं चलता था वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके पास. ही walked and walked without coming to the end of the wood. चलता जा रहा था, चलता रह रहा था, लेकिन जंगल का कोई अंत ही नहीं था. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. बच्चों धीरे धीरे उसे रियलाइज हो गया वो तो एक ही जगह आ रहा है घूम घूम के जंगल के. मैंने अभी बताया था ना जंगल में रास्तों का पता नहीं चलता, एक ही जगह आ जाते हैं हम घूम घूम के. तो वो बार बार एक ही जगह आया जा रहा था, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. तुरंत उसे याद आ गए उसके खुद के विचार. क्या? The world is a rat trap. ये तो जो विश्व है ना, ये तो चूहे के पिंजरे के जैसा है. Now his own turn had come. आज उसकी खुद की टर्न आ गई. बच्चों वो कह रहा था ना कोई तो फंस चुके हैं, कोई सर्कल अराउंड कर रहे हैं फंसने के लिए तैयार हैं. तो कहता आज तो उसकी खुद की ही टर्न आ गई, वो फंस चुका है इस रैट ट्रैप के अंदर. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट. वो बेट कौन थी बच्चों, वो चारा कौन सा था, वही 30 क्रोनो जो उसने चुराए. और कहता है कि अब वो फंस चुका है चोरी करने के बाद. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस इट थिकलेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape. बच्चों पूरा का पूरा जंगल, उसमें बहुत सारे ट्रंक्स यानी के तने थे, ब्रांचेस टहनियाँ थी, थिकलेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ बुशेस झाड़ियाँ थी, फॉलन लॉक्स टूटे हुए तने थे. वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये फॉरेस्ट इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है. इम्पेनिटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी पास थ्रू, अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, जिसे बाहर ना निकला जा सके. इम्पेनिट्रेबल प्रिजन के समान है, प्रिजन तुम्हें पता ही है जेल के समान है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, वो उसमें बुरी तरह फंस चुका है. ये देखो बच्चों, द पैडलर लॉस्ट इन एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन दैट इज फॉरेस्ट. इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. बच्चों लेट दिसंबर की बात थी, दिसंबर का महीना अंतिम दिनों में चल रहा था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस वहाँ पर हो गई थी, अंधकार हो गई थी फॉरेस्ट के अंदर. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. अंधेरा होना मतलब जंगली जानवरों का खतरा, तो वहाँ पर खतरा बढ़ रहा था अंधेरे के साथ साथ, और उसका ग्लूम और डिस्पेयर भी, मीन्स उसकी सैडनेस, डिप्रेशन भी, उसकी उदासी भी, उसे कुछ भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चल रहा था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ. बच्चों फाइनली उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, वो बहुत थक चुका है, ठीक है, और वो वहीं पर ग्राउंड के अंदर बैठ जाता है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उसे लग रहा था अब उसकी मौत निश्चित है, वो यहीं पर मर जाएगा पागलों की तरह. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. बच्चों जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर लेटा, उसे अपना सिर ग्राउंड पर रखा, उसे आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. थम्पिंग मीन्स बीटिंग साउंड, इस तरह की थंपिंग की साउंड जो तुमने अभी सुनी, वैसे थंपिंग साउंड सुनाई दी उसे. देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था वो किस चीज की आवाज थी, उसे पता चल गया है किस चीज की आवाज थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट. बच्चों उसने अपने आप को खड़ा किया, ये तो हैमर स्ट्रोक्स हैं, हथौड़े से कोई मार रहा है, हथौड़ा चलने की आवाज है, यानी कि आयरन मिल, लोहे की मिल नज़दीक ही है उसने सोचा. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास लोग ज़रूर होंगे अगर मिल है तो. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, कॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. बच्चों जितनी ताकत उसके पास थी उसने संबंध की मीन्स कॉल की, बुलाई वापस, आजा मेरी ताकत, चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं. लाइफ इज़ हियर, पीपल आर हियर, तो लोग यहाँ पर हैं, मैं जी जाऊँगा, मैं मरूँगा नहीं. तो वो चला गया उस डायरेक्शन की ओर जहाँ से वो साउंड आ रही थी. बच्चों अब आएगी फिर से, देखो क्रॉफ्टर कहाँ पर काम करता था, हमने पढ़ा था ना,
रैमजो आन वर्क्स, तो यही है वो रैमजो आन वर्क्स, और यही वो मिल है बच्चों जो जिसके अंदर हैमरिंग साउंड उसे अब सुनाई दे रही है जहां की ओर वो बढ़ रहा है. ठीक है. The Ramzo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. बच्चों Ramzo Iron Works अब तो क्लोज डाउन हो चुका है, अब उसमें कम काम होता है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा प्लांट था. विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर मीन्स हीटिंग एंड मेल्टिंग प्लांट, वहाँ पर लोहे को हीट किया जाता था और मेल्ट किया जाता था. रोलिंग मिल एंड फोर्ज, वहाँ पर फर्नेस भी थी, भट्ठी भी थी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउ स्लिड डाउन द कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चाकोल. बच्चों गर्मियों के दिनों में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी बार्जेस की, बड़ी बड़ी बोट्स की, जिनमें भरा रहता था लोहा. स्काउज मीन्स फ्लैट बॉटम बोट्स, बोट्स भी वहाँ पर थी जो कि आती थी नहर के द्वारा और वहाँ पर लेक के अंदर आ जाती थी. और विंटर टाइम के अंदर जो रोड्स थी वो मिल की जो रोड्स थी वो ब्लैक हो जाती थी बच्चों. किस वजह से काली हो जाती थी? कोल डस्ट, जो कोयला था उसकी डस्ट के कारण, क्योंकि जो कोयला था वो सिफ्टेड फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, बड़ी बड़ी क्रेट्स के अंदर, पैकिंग कार्स होती हैं ये क्रेट्स, वहाँ पर कोयला लाया जाता था और वहाँ पर वो फेल डाउन, सिफ्टेड डाउन मीन्स फेल डाउन, उड़ उड़ के गिर जाता था सारी सड़कों के अंदर. मतलब बहुत प्रॉस्पेरिटी है रैमजो आयरन वर्क्स के अंदर, बहुत फेमस है ये. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the big pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. बच्चों क्रिसमस आने ही वाला था, क्रिसमस का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है, आने ही वाला था वो, दिसंबर की बात चल ही रही है, शुरू में बताया था तुम्हें. लॉन्ग डार्क इवनिंग, काली अंधियारी शाम थी, वहाँ पर मास्टर स्मिथ यानी कि मुख्य लोहार बैठा था और उसका हेल्पर भी बैठा था बच्चों, उसकी मदद करने वाला, वो भट्टी फोर्ज यानी कि भट्टी के पास बैठे थे और वो पिग आयरन मीन्स कच्चे लोहे को, अशुद्ध लोहे को वहाँ पर उन्होंने फायर के अंदर डाल रखा था ताकि जब वो गर्म हो जाए उसको एनविल पर डाला जा सके. एनविल क्या होता है बच्चों? आयरन ब्लॉक ऑन विच द स्मिथ हैमर्स, जब वो हथौड़ा रख के मारेगा ना तो नीचे का जो आयरन का बना हुआ जो डिवाइस है उसको तुम कहोगे एनविल. Every now and then one of them got up and stirred the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments. कुछ देर में उन दोनों में से कोई ना कोई एक खड़ा होता, जहाँ पर बहुत आग जल रही थी वहाँ पर जाता, एक लंबी सी आयरन की लोहे की छड़ी लेकर और उसको हिलाता और वापस आ जाता. Dripping with perspiration, बच्चों उनका ड्रिप होता perspiration, perspiration means sweat, पसीना, पसीना निकल रहा था बहुत वहाँ पर लोहे की वजह से, गर्मी की वजह से. Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उनका कस्टम था, उनकी परंपरा थी पहनने की, उसने परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहन रखे थे. क्या कपड़े पहन रखे थे? लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के जूते. देखिए बच्चों, मास्टर ब्लैकस्मिथ डूइंग हिज वर्क, ये जिस पे वो मार रहा है वो होता है एनविल, मैंने जो तुम्हें अभी बताया था, और हैमर इनके हाथ में है. वर्क इन प्रोग्रेस इन आयरन मिल, हेल्पर है जो मदद कर रहा है और ब्लैकस्मिथ जो मेन ब्लैकस्मिथ है वो अपना काम कर रहा है. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, बार बार बहुत सारी आवाजें आ रही थी उस फोर्ज के अंदर, भट्टी के अंदर. द बिग बेलोज ग्रोंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक, बच्चों वो जो वहाँ पर बड़ी बड़ी जो उन्होंने सामान जो डाल रखा था आग के अंदर, उनमें से कराहने की आवाज़ें, बर्निंग कोल, जलते हुए कोयले की आवाज़ें, क्रैक होने की आवाज़ें आ रही थी. द बॉय, द फायर बॉय शोवल चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेस विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, वो जो बच्चा था जो शोवल मीन्स पुट डाल रहा था कोयले को, मो मो मीन्स एनिमल स्टमक और थ्रोट, ठीक है,
किसी जानवर का पेट या गला उसके अंदर फर्नेस के अंदर धोंकनी के यानी कि भट्टे के अंदर डाल रहा था तो उसमें से भी बहुत सारी क्लैटर मीन्स नॉइज आ रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की ओर वाटरफॉल झरने की आवाज़ आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और बच्चों उत्तरी हवा वहाँ पर बह रही थी। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उत्तरी हवा की वजह से जो छत थी उनकी ब्रिक टाइल लगी हुई ईंट लगी हुई वहाँ पर उस पानी के गिरने की भी रेन की भी आवाजें आ रही थी। तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी वहां पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। बच्चों शायद इन्हीं आवाजों की वजह से जो मुख्य ब्लैकस्मिथ था, ठीक है, उसे पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी आदमी अंदर घुस आया है, जब तक कि वो अजनबी आदमी फर्नेस के पास जहाँ पर आग जल रही थी भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया तब तक, यानी कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि कोई व्यक्ति आयरन मिल के अंदर एंटर हुआ है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warmth themselves in front of. बच्चों surely it was nothing unusual, कुछ अलग सी अनोखी बात नहीं थी जो पुअर वैगाबोंड्स है, देखो ये वही पहला जो वैगाबोंड आया था वही वॉन्डरर आवारा, विदाउट एनी शेल्टर, रात को जिनको शेल्टर नहीं मिलता था वो फोर्ज में आ ही जाते थे क्योंकि वहाँ पर आग जलने की वजह से गर्मी हो जाती थी, ठीक है। थ्रू द सूटी पेन्स, सूटी मीन्स डार्कन्ड, पेन्स मीन्स विंडो पेन, तो वहाँ पर चारकोल की वजह से, कोयले की वजह से, कोयले जलने की वजह से जो शीशे हैं खिड़कियों के वो काले हो चुके हैं, वहाँ पर वो आ जाया करते लोग घूमते हुए और बैठ जाते थे अपने आप को गर्माइश देने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, तो जो लोहार था उसने यूं ही देखा, कोई ज़्यादा उसने भाव व्यक्त नहीं करे इंट्रूडर की ओर। इंट्रूडर कौन होता है बच्चों? That particular person who enters without permission, कोई भी व्यक्ति जो without permission कहीं पर enter करेगा उसे हम कहेंगे intruder. तो यहाँ पर intruder कौन था? The rat trap seller. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. बच्चों वो कैसा दिख रहा था rat trap seller? जैसा आमतौर पर दिखता था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, गंदा हो रहा था, रेड फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और कुछ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, अ ग्रुप ऑफ रेड ट्रैप्स थे, डेंगलिंग मीन्स हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट, उसने बहुत सारे अ बंच ऑफ काफ़ी सारे रेड ट्रैप्स लटका रखे थे बेचने के लिए। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने पूछा परमिशन ली कि आज मैं रात को यहाँ पर रह सकता हूँ और जो मुख्य लोहार था उसने सर नॉडेड मीन सर हिला दिया, हॉटी प्राउडली घमंड से गर्व से कंसेंट दे दी लेकिन उसे प्यार से भरा कोई भी शब्द नहीं कहा। द ट्रैम्प, बच्चों देखो ये मैं शुरू से बता रही हूँ, ट्रैम्प वर्ड भी यूज़ होगा पैडलर के लिए, तो ट्रैम्प कौन होता है? होमलेस पर्सन, जो इधर उधर घूमता रहता है जिसका कोई खुद का घर ना हो, तो कौन है यहाँ पर ट्रैम्प? द रैट ट्रैप सेलर। डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा। Either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो वहाँ पर बात करने नहीं आया था बल्कि थोड़े गर्माइश लेने और सोने आया था, तो उसने भी कोई शब्द नहीं कहे। In those days at the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. बच्चों उन दिनों में जो Ramshaw iron mill थी वहाँ पर जो iron master था यानी कि उस मिल का मालिक जो था उसको हम iron master बोलेंगे, याद रखना iron master, तो वो जो था वो बहुत ही फेमस आदमी था, प्रोमिनेंट बढ़िया आदमी था और उसकी एक ही एम्बिशन थी बच्चों, एक ही आकांक्षा थी, एक ही चाह थी, एक ही अभिलाषा थी, क्या? कि वो अच्छा लोहा मार्केट में बेच सके, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया लोहा लोगों को प्रोवाइड करा सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible and at this very moment he came into the forge on one of the nightly rounds of inspection. अब बच्चों वो ये चाहता था उसकी मिल में बढ़िया से काम होता रहे तो वो ज़रूर चेक करने आता था कभी दिन में कभी रात को अचानक से बिना किसी को बताए, तो अब उसका नाइट इंस्पेक्शन होने वाला था यानी कि आयरन मास्टर मिल में आ चुका था अपना रात का दौरा करने के लिए, रात की इंस्पेक्शन करने के लिए, देखभाल करने के लिए क्या मेरा काम ठीक चल रहा है या नहीं। नेचुरली
द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. बच्चों सबसे पहला उसका ध्यान कहाँ गया, टॉल रंग लंबे से. रैगामफिन मीन्स अ पर्सन इन डर्टी क्लोथ्स, गंदे गंदे फटे पुराने जिसने कपड़े पहन रखे हैं उसको हम कहेंगे रैगामफिन. तो वहाँ पर उसकी आईज गई जो कि फर्नेस भट्टी के पास खड़ा था और वो इतना गीला था बच्चों कि उसके गीले कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, ठीक है, इतना गीला हो चुका था वो. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर. बच्चों अब ब्लैक स्मिथ ने तो उसको देखा भी नहीं था, कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन आयरन मास्टर ऐसा नहीं था, उसने ध्यान भी किया, वो उसके पास भी गया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम लुक्ड एट द स्ट्रेंजर एंड लुक्ड एट हिम वेरी केयरफुली देन टोर ऑफ His slouch hat and to get a better view of his face. बच्चों वो उसके पास गया, ध्यान से उस स्ट्रेंजर को देखा, उसने एक slouch hat, एक टेढ़ी हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी, उसने वो हटाई ताकि वो ध्यान से देख सके आखिरी आदमी है कौन. तुम देख सकते हो ये है आयरन मास्टर वियरिंग slouch hat, टेढ़ी टोपी. But of course it is you, Niels Olof, he said. How do you look? अब बच्चों आयरन मास्टर ने ना ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंजर है उसने कभी वो मिला हुआ है, उसके एक्वेंटेंस का है, उसकी जान पहचान का है तो नहीं, लेकिन उसे लगता है कि ये तो वही है. अब वो कह रहा है अरे तुम हो नील्स उलोफ, तुम यहाँ पर कैसे कैसे दिखने लगे हो तुम, ठीक है. तो आयरन मास्टर को लग रहा है कि वो नील्स उलोफ है और उसका कोई जान पहचान वाला है, असल में वो है नहीं. आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो एंड डिडंट नो इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. अब बच्चों रैट ट्रैप्स वाले ने तो कभी इस आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था, ना वो जानता था कौन है, ना उनका नाम पता था, लेकिन आयरन मास्टर को ऐसा लग रहा है कि वो उसे जानता है और उसका नाम भी उसे पता है. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कफल ऑफ क्रोनो देयरफॉर ही डिडंट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. बच्चों अब उसे लगा, वो तुरंत समझ गया कि ये तो मुझे कोई गलत व्यक्ति समझ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे फंसा लूँ और कुछ ना कुछ क्रोनो का फ़ायदा तो इससे हो ही जाएगा, ठीक है. तो अभी वो प्लानिंग कर रहा है, तो वो बताता नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो चुप रहता है, बस देखता है कि कुछ कपल ऑफ क्रोनो उसको मिल जाए. ही डिडंट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. वो उसका इल्यूजन ब्रेक नहीं करना चाहता, उसके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता. यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड. उसने रैट ट्रैप सेलर ने बहुत ही उदासी भरी आवाज़ में कहा, हाँ भगवान ही जानता है कैसे चीज़ें मेरे साथ ख़राब हुई हैं, कैसे मेरी हालत ख़राब हुई है. बच्चों गोन डाउन हिल मीन्स ऑन अ डिक्लाइन वर्सन, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, ठीक है. तो उसने ये जवाब दिया, यानी कि वो उसको फंसा रहा है अपनी बातों में ताकि कुछ क्रोनों का फ़ायदा उसे आयरन मास्टर से भी हो जाए. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. Iron master ने कहा तुम्हें regiment से resign नहीं देना चाहिए था. बच्चों regiment उनके होते ना soldiers के, तुम्हें पता है. तो वो ऐसा उसको लग रहा है कि वो कोई captain है regiment के अंदर और उसने resign दे दिया था, तो इस वजह से उसकी हालत बेकार हो गई है, तो वो उसको सजा से दे देता है. तुम्हें ना resign नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. कहता है अगर मैं आज भी सर्विस में होता तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता. तुमने इस्तीफा देकर बहुत ही गलत किया. चलो कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. बच्चों अब तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया. उसे तो लग रहा था वो जानता होगा, कुछ क्रोनो मांग लूंगा, बात खत्म. लेकिन यहाँ पर तो जो आयरन मास्टर था उसने उसे मैनर हाउस में, मैनर हाउस क्या होता है बच्चों, बड़ी हवेली, मैंशन कह सकते हैं हम उसको, अपने बड़े से घर में बुला लिया. वहाँ पर मैं जाऊँगा जहाँ का ऑनर, जहाँ का मालिक मेरे को समझ रहा है कि मैं उसका कॉमरेड हूँ, कंपेनियन हूँ, साथी हूँ रेजिमेंट का. हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. तो ये आइडिया तो ट्रैम्प को पसंद नहीं आया. ये बच्चों देखो मैनर हाउस, बड़े बड़े हाउसेस को हम कहते हैं मैनर हाउस, इन्हें मैंशन भी बोल सकते हैं और हिंदी में तुम बोल सकते हो हवेली, बड़ी सी हवेली. नो आई couldn't थिंक ऑफ इट ही said, लुकिंग क्वाइट alarmed. अब बच्चों अलार्म हो गया है वो, सतर्क हो गया है वो, और कहता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनो. क्यों
उसको याद आ गए वो चुराए हुए 30 क्रोनोर जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। और ये चुराए हुए रुपयों के साथ अगर वो मैनर हाउस में उस हवेली में जाता है आयरन मास्टर की, तो ये तो खुद होगा कि खुद हम अपने आप को शेर की गुफा के अंदर डाल रहे हैं कि ले शेर मुझे खा ले, यानी कि वहाँ पर जाकर वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉज एंड देन स्नीक अवे एज इनकन्स्क्यूजली एज पॉसिबल। बच्चों इसका मतलब होता है अननोटिस्ड। तो कहता है कि मैं चुपचाप वहाँ पर, मेरा तो प्लान यही था कि मैं चुपचाप यहाँ पर फोर्ज में रुकूँ रात को और धीरे से निकल जाऊँ बिना किसी को नोटिस हुए, बिना किसी को बताए हुए। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोदिंग। तो बच्चों आयरन मास्टर ये भी अज्यूम कर रहा है कि शायद वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि उसने गंदे से कपड़े पहन रखे हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. अब वो कहता है कि please, आयरन मास्टर कह रहा है कि मेरा ना घर ठीक है, देखने लायक है, ऐसा मत करो, तुम चलो वहाँ पर मेरे साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा। Elizabeth is dead, मेरी पत्नी Elizabeth तो मर चुकी है। As you may already have heard, तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे जो लड़के हैं वो abroad विदेश चले गए हैं, बस घर में मैं हूँ और मेरी बड़ी बेटी है, बस हम दो ही रहते हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. क्रिसमस का त्यौहार है और हमारे पास ना कोई कंपनी नहीं है, तो चलो तुम हमारे घर हमें कंपनी दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो चलो मेरे साथ घर और जो क्रिसमस का बढ़िया बढ़िया खाना बनाया हुआ है उसे जल्दी ख़त्म करने में मदद करो, यानी कि ज़्यादा लोग होंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। But the stranger said no and no and again no and the iron master said that he must give in. तो बच्चों बार बार उसे पूछा गया स्ट्रेंजर से, बार बार उसे नो में ही जवाब दिया, तो अब आयरन मास्टर ने सोचा कि अब तो कुछ कहने का फायदा नहीं है, तो उसने वो चीज़ छोड़ दी। इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन स्टाले प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्जनस्ट्रम ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। और बच्चों अब उसने फाइनली गिव अप कर दिया कहना उसको, और उसने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टाले, बच्चों ये उन्हीं का नाम है, उसका नाम जिसको वो सोच रहा है कि वो जान रहा है, कैप्टन को जानता है, कैप्टन वॉन स्टाले को, तो वो कहता है कि ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहेंगे सडनस्ट्रम, यानी कि वो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसका नाम था सडनस्ट्रम। और ये कहते ही उन्होंने टर्न्ड अबाउट, अपना मुंह मोड़ लिया और जाने लगे वापस। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और फिर वो हंसने लगे जाते जाते, और ब्लैकस्मिथ को पता था कि वो अभी उन्होंने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंड हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. बच्चों आधा ही घंटा हुआ था आयरन मास्टर को गए हुए, तभी उन्हें साउंड सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी कैरिज की, घोड़ा गाड़ी की, बाहर आई थी वो, उनकी आयरन मिल के बाहर खड़ी थी, भट्टी के बाहर थी, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया गेस्ट आया वहाँ से, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर नहीं था, कोई नया ही व्यक्ति था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, कहा था ना उन्होंने मेरी ओल्डेस्ट डॉटर मेरे साथ रहती है, तो ये वही लड़की थी बच्चों उनकी बेटी। apparently clearly hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, उसे लग रहा था कि उनकी बेटी के पास अच्छे पावर हैं persuasion के, कन्विंस करने के, फुसलाने के, मेरे पास तो नहीं है, यानी कि मेरी बात तो मानी नहीं है कैप्टन वॉन स्टाले ने, क्या पता मेरी बेटी की बात मान ले, क्योंकि मेरी बेटी अच्छी तरह से कन्विंस करना जानती है। तो बच्चों ये पार्ट वन यानी कि हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड हियर इन दिस वीडियो। द नेक्स्ट हाफ विल बी पब्लिश सून, जल्दी से मैं डालूंगी, पब्लिश करूंगी नए वाले वीडियो को भी, उसे भी आप देखें। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी पर्सवेट करके, कन्विंस करके उसे घर ले जाती है क्या, अगर घर ले भी जाती है तो क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या वो सच में रेड ट्रैप में फंस चुका है और तबाह हो जाएगा, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बी हियर विद मी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।